हेलो एवरीवन वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी आई होप यू आर डूइंग वेल हम पढ़ने वाले हैं आज तेरह मार्च का करेंट अफेयर करंट अफेयर की शुरुआत आज के थॉट से करते हैं जो है कभी भी हार बदमानिए क्या पता अगली कोशिश ही कामयाबी की ओर ले जाए तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है माउंट मैरापी का हाल ही में विस्फोट हुआ यह कहाँ स्थित है तो माउंट मैरापी काफ़ी चर्चा में रहता है क्योंकि एक बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है और यहाँ पर विस्फोट होते रहते हैं माउंट मैरापी स्थित है इंडोनेशिया में इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता लेकिन जकार्ता को चेंज करके हाल ही में इसकी राजधानी किसे बनाया गया है नुसंतारा को तो माउंट मैरापी आपसे पूछा जा सकता है कि जो माउंट मैरापी है ये कैसा ज्वालामुखी है तो एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है और जो इंडोनेशिया है वो कौन से द्वीप पर स्थित है वो बोर्नियो द्वीप पर स्थित है तो पहला क्वेश्चन आपको याद हो चुका है कि माउंट मैरापी का हाल ही में विस्फोट हुआ है ये कहाँ पर स्थित है तो ये इंडोनेशिया में स्थित है सेकेंड क्वेश्चन है ईरान और सऊदी अरब के बीच में मध्यस्थता का कार्य कौन सा देश कर रहा है अब जैसे कि अब्राहिम एकॉर्ड का नाम आपने सुना होगा जो यूएसए है यूएसए ने क्या किया था मध्यस्थता की थी किन दो देशों के बीच अब्राहिम एकॉर्ड में ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे यहाँ पर बात हो रही है ईरान की और सऊदी अरब की तो ईरान और सऊदी अरब के बीच में एज अ मीडिएटर कार्य कौन कर रहा है ये काम कर रहा है चीन तो यहाँ पर याद रखना है हमको कि ईरान और सऊदी अरब के बीच में मध्यस्थता का कार्य कौन करने वाला है चीन करने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में अंतर संसदीय संघ की छियालीसवीं बैठक का आयोजन किया किया जा रहा है तो ये है इंटर पार्लियामेंट इंटर पार्लियामेंट एसोसिएशन इसकी छियालीसवीं बैठक का आयोजन किया जा रहा है बहरीन में बहरीन कहाँ पर स्थित है तो ये फारस की खाड़ी वाला देश है बहरीन बहरीन की जो कैपिटल है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे और जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है इसका जो इसके पहले इसका आयोजन कब कब किया गया है तो 1969 में और 1992 में तो इसका आयोजन पहले भी किया जा चुका है तो जो छियालीसवीं इसकी बैठक का आयोजन है वो किया जा रहा है कहां पर वो हो रहा है बहरीन में तो इसको आप याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो के भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष में कौन सा जिला स्थित है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने अभी कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था जोशीमठ जोशीमठ में किस तरीके से भूस्खलन हो रहा है और वहां की जमीन क्या है धीरे धीरे धसते जा रही है तो यहाँ पर इसरो के भूस्खलन सूचकांक की बात की जा रही है तो इसमें जो उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग और टहरी बाल जिला है ये क्या है टॉप पर आया है इस इसका एग्जाम्पल हम समझ समझ सकते हैं जोशीमठ से कि, कि किस तरीके से उत्तराखंड में लगातार भूस्खलन होता जा रहा है बात टहरी की आई है तो टहरी बांध है टहरी बांध किस नदी पर स्थित है कई बार ये प्रश्न वैद्य से एग्जाम में पूछा गया है तो जो टहरी बांध है वो भागीरथी पर स्थित है और टहरी बांध जो है एक बहुत ही बड़ा बांध है तो याद रखिएगा ये इंडेक्स किसने निकाला है तो ये इंडेक्स निकाला है इसरो ने और इस पर कौन सा जिला टॉप किया है तो वो रुद्रप्रयाग और टेहरीवाल जो स्थानीय उत्तराखंड का उसने टॉप किया है यहाँ पर कुछ और इंडेक्स की हम बात कर लेते हैं जो अभी अभी आए हैं जैसे चुनावी लोकतंत्र सूचकांक तो इसमें जो इंडिया का रैंक है वो है 108। आईपी इंडेक्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स इसमें इंडिया का रैंक है 42। आपसे पूछा जा सकता है कि क्रिप्टो लॉन्च करने वाला भारत कौन सा देश बना है तो वो बना है सातवा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया का रैंक है फोर्थ तो ये कुछ अभी लेटेस्ट के इंडेक्स हैं तो इनको आपको याद रखना है और खुशहाली सूचकांक में शांति सूचकांक में जैसे 135 है खुशहाली में 136 है भुखमरी में 107 है वो इंडेक्स हम पहले याद कर चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन है तो वो हैं गीता राणा जो गीता राणा हैं वो लद्दाख की सेना में बटालियन की पहली कमाल पहली कमान संभालने वाली महिला ऑफिसर बन चुकी हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर की स्थापना कहाँ पर किया जा रही है तो ये हो रही है इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर की स्थापना उत्तराखंड में जिसमें चारों जो तीर्थ स्थल हैं जैसे रुद्रप्रयाग है देवप्रयाग है सॉरी गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ उनको क्या किया जाएगा जोड़ा जाएगा उनको कनेक्ट किया जाएगा और प्रति थर्टी किलोमीटर में आपको क्या मिलेगा चार्जिंग स्टेशन मिल जाएगा जिससे क्या कर सकते हैं आप अपनी व्हीकल को चार्ज कर सकते हैं तो ये जो चार धाम यात्रा है ये कितने किलोमीटर लंबी है तो ये नौ सौ किलोमीटर लंबी है इसको याद रखिएगा और ये पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर है जो उत्तराखंड में बनने जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय वित्तीय संस्थागत विफलता के कारण बंद होने वाला अमेरिका बैंक कौन सा बन गया है तो ये है सिलिकॉन वैली बैंक जो कि अमेरिका में स्थित है सिलिकॉन वैली बैंक में अभी क्राइसिस हुआ है जिसके कारण ये बैंक जो है वो पूरी तरीके से डूब चुका है और आप सभी जानते हैं कि अभी अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसकी वजह से अडानी ग्रुप के जो शेयर के भाव है वो बहुत अधिक गिर गए लेकिन इसके बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया कि अमेरिका में इस बैंक की क्या स्थिति है ये अमेरिका का बहुत ही बड़ा बैंक था जो क्या हो चुका है अब पूरी तरीके से विफल हो चुका है तो याद रखिएगा आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में सिलिकॉन वैली बैंक में बैंक क्राइशस हुआ ये किस देश का बैंक है तो ये यूएसए का बैंक है तो इसको याद रखना है ये हमने पढ़ा भी कि एल पर कमान संभालने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनेगी गीता राणा नेक्स्ट क्वेश्चन है के एम चंद्रशेखर तो पहले तो आपको यही याद होना चाहिए कि के एम चंद्रशेखर कौन है तो 2007 से लेकर 2011 तक जो सबसे इम्पोर्टेंट आई रैंक होती है जो कैबिनेट सचिव की होती है तो कैबिनेट सचिव की भूमिका का निर्वाहन करने वाले थे चंद्रशेखर तो 2007 से लेकर 2011 तक बहुत सारे ऐसे काम आए जो बहुत ही चर्चागत रहे 2008 की चाहे वो मंदी हो कॉमनवेल्थ घोटाला हो टू को घोटाला हो या छब्बीस ग्यारह का हमला हो तो किस तरीके से एज अ कैबिनेट सचिव इन्होंने अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस किया वो सब इन्होंने अपनी आत्मकथा में बताया है तो याद रखिएगा कि के एम चंद्रशेखर ने जो आत्मकथा रिलीज की है अपनी उसका नाम है एस गुड एज माय चॉइस एज माय वर्ल्ड तो इसको याद रखिएगा पूछा जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया तो बेंगलुरु से लेकर मैसूर तक एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने ये कितने किलोमीटर लंबी है तो एक सौ उन्नीस किलोमीटर लंबी है किस नेशनल हाईवे पर है तो एन एस एन एस टू सेवेंटी फाइव और ये किस योजना का पार्ट है बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेस तो ये भारतमाला परियोजना का पार्ट है तो इसको भी याद रखना है कि भारतमाला परियोजना के अंतर्गत जो बेंगलोर से लेकर मैसूर तक एक्सप्रेस वे का क्या किया क्या किया जा रहा है निर्माण किया जा रहा है याद रखिएगा टू सेवेंटी फाइव जो है वो कौन सा है नेशनल हाईवे है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरोग्य महिला योजना का शुभारंभ कहां से किया जा रहा है तो आरोग्य महिला योजना आरोग्य महिला योजना का शुभारंभ किया जा रहा है तेलंगाना से आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि भारत माला परियोजना की शुरुआत कब से की गई है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि भारत माला परियोजना की शुरुआत कब से की गई है ये आप कमेंट बॉक्स में लेकर बताएंगे ये माउंट मैरापी है जहाँ पर विस्फोट हुआ है ये हमने पढ़ा कि बेंगलोर से लेकर मैसूर तक क्या किया जा रहा है एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जा रहा है ये भारत माल जो आरोग्य सेतु प्रोग्राम है उसके तहत आरोग्य महिलाओं के लिए आरोग्य पहल है जो तेलंगाना में शुरुआत हुई है उसमें काउंसलिंग दी जाएगी मॉनिटरिंग की जाएगी कि किस तरीके से महिलाओं को पोषण मिल रहा है किस तरीके से नहीं मिल रहा है ये गढ़वाल और टहरी जिला है जो कि उत्तराखंड में आया है और ये पूरा बताया गया है कि सिलिकॉन वैली किस तरीके से जो बैंक है वो किस तरीके से कोलैप्स हुआ है और इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा कुछ दिन के लिए मैं बाहर गई थी इसलिए दो तीन दिन का करेंट अफेयर जो छूट गया है उसे हम एक क्लास में पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे और अगर आपको आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि आपके लिए महत्वपूर्ण है तो अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें देखते रहें पढ़ते रहें खुश रहें जय हिंद जय भारत